हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जो कि प्रभात एग्जाम का ही एक और चैनल है, जहाँ पर हम बात करते हैं जेपीएससी से संबंधित अलग अलग बातों को लेकर। कभी हम उसकी पाठन सामग्री से संबंधित बात करते हैं, तो कभी हम क्वेश्चन पेपर्स की बात करते हैं, कभी हम जीके सीरीज की बात करते हैं, तो कभी कभी हम सिलेबस और सिलेबस पैटर्न की भी बात करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कुछ सक्सेस स्टोरीज भी लेकर आते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए मिशन जेपीएससी पर, वो है संजीव कुमार सिन्हा जी की सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने 6th जेपीएससी में सफलता हासिल करी और फिनेंशियल सर्विसेज के लिए उनका चयन हुआ, यानी कि वित्त संबंधी सर्विसेज के लिए। सोचिए दोस्तों, 15 साल से लगातार अपने जुनून को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे हैं एक ऐसे इंसान जो अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाते भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जुनून नहीं छोड़ा। वे नहीं भूले कि उन्होंने क्या लक्ष्य बनाया है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अंततः अपनी लड़ाई में विजय हासिल की। तो वो इंसान कौन थे? वो इंसान है संजीव कुमार जी, और आज मैं उन्हीं की सफलता की कहानी आप सब के साथ साझा करना चाहूंगी। ये तो सच है कि उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया, और उन्होंने ये भी, जो एक कहावत है कि अगर शिद्दत से किसी चीज को पाओ तो वो आपको जरूर हासिल होती है, ये संजीव कुमार सिन्हा जी की सफलता की कहानी से हम जोड़ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने सफलता पाकर ही आखिर अपना ठहराव लाया, अपनी सक्सेस स्टोरी बनाई, और लोगों के लिए ये एक उदाहरण हो सकते हैं। संजीव कुमार सिन्हा जी झारखंड के रांची से हैं, वहाँ के एक गांव से हैं। वो बताते हैं कि 15 सालों से वे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और इस प्रक्रिया में उन्हें परीक्षा में सफलता पाने के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। वे असफल भी हुए, और फिर जब अंत में सफल हुए तो उन्हें 5 साल का लंबा इंतज़ार भी करना पड़ा। तो 15 साल पहले जो उस वक्त उनके घर की हालत थी जब उन्होंने शुरुआत करी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके घर में सिर्फ उनके पिताजी थे जो कमाते थे। उनके पिताजी की आय से सारे भाइयों का पढ़ाई का खर्च नहीं चल पाता था, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए भी ये सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि पिताजी के काम में हाथ बटा सकूं, और उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके इस ट्यूशन के स्टूडेंट्स ने एक कोचिंग सेंटर का रूप ले लिया। उनकी आय भी अब अच्छी होने लगी थी, पर उनके पिताजी की क्योंकि तबीयत बिगड़ने लगी थी, तभी उन्होंने सोचा था कि मैं एक अतिरिक्त जरिया रखूँ इनकम का। तो जब उनकी हालत बिगड़ने लगी, जब उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। और बस उन्होंने संजीव जी से कहा कि बेटा, मैं आपकी शादी करना चाहता हूं। संजीव जी क्या कहते? एक तो उनका जुनून कि उन्हें कुछ बनना है, और दूसरा पिता के प्रति अपना कर्तव्य, क्योंकि वे मानते थे कि उनके पिता ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, अकेले उन्होंने पूरे परिवार को संभाला है। तो वो इस कर्तव्य के बोझ में भी थोड़ा सा दब गए, और सिर्फ दबे नहीं, उन्होंने अपने मन से सोचा कि मेरा कर्तव्य इनके लिए भी है, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है तो मैं इनकी इच्छाओं को नहीं नकार सकता, और इसलिए उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। जब वो शादी करके लेके आए घर में, तो उनको और ज़्यादा दुविधा और असुविधा का सामना हुआ, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अब वो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे हर चीज़ में। उन्हें अपनी बीवी को भी टाइम देना पड़ेगा, अपने घर को भी टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हो गई थी उन पर, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डबल पढ़ाऊँगा, मैं खुद भी बहुत पढ़ूँगा, और मैं वो मुकाम हासिल करके ही छोड़ूंगा जो मैंने सोचा है। हालांकि इस चैलेंज को उन्होंने मैनेज किया, और बहुत खूबसूरत ढंग से किया, और मुश्किल से भी किया, और काफ़ी ताने भी उन्हें सुनने को मिले कि वो असामाजिक हैं, वो बहुत अव्यवहारिक हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि वो सुबह शाम तो बच्चों को पढ़ाते थे, और जो बाकी वक्त मिलता था उसमें वो खुद अपनी पढ़ाई करते थे। और फिर उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, तो प्रीलिम्स में तो उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेंस में वो रह गए, और उसकी वजह से वे बेहद टूट गए। वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने फिर घर में ये कह दिया कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सब ने कहा कि अब फिर से मेहनत करो, ज़रूर जारी रखो ये अपना प्रयास,
तुम जरूर सफल होगे क्योंकि तुम्हारा जुनून है। तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ कुछ भी हो मैं अपने इस जुनून से नहीं हटूंगा। हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा थी उनकी बहुत अच्छी और शिक्षक के रूप में उन्हें बहुत लोग जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में ये था कि नहीं, मुझे वो ओहदा हासिल करना है। तो इसलिए उन्हें एग्जाम तो क्रैक करना ही है और उन्होंने फिर से एग्जाम दिए। इस बार उन्होंने मेंस को पास कर लिया लेकिन इंटरव्यू में उनके कम नंबर आए, मात्र 4 नंबर से वो रह गए और वो सदमा उनके लिए बहुत कष्टदायक था। उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, सिर्फ उन्हें ही नहीं उनकी पत्नी को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि चलो अब छोड़ दो, आप रहने दो, मत पढ़ो, इतने मेंटल डिप्रेशन में आप आ गए हो, आपका इतना अच्छा अपना चल रहा है कोचिंग सेंटर, आप इसी को करो। लेकिन मेरा मन नहीं माना, थोड़े दिन तो मैं मेंटल डिप्रेशन में रहा लेकिन फिर मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, मैंने बच्चों को पढ़ाना कम कर दिया, थोड़ी आय कम होने लगी उस दौरान, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और रांची में एक स्टडी सर्कल में मैं सिर्फ 3 घंटे पढ़ाने जाता था और बाकी का समय मैं खुद के पढ़ने में लगाता था। ये संजीव जी का कहना है। वे बताते हैं कि उन्होंने अपने घर की छत पर एक छोटा सा कमरा अपने लिए ले लिया, जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर खुद को बंद कर लिया। बंद कर लिया मतलब चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, उन्हें कुछ नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है, उन्हें बस और बस अपनी पढ़ाई दिख रही थी। फिर उन्होंने एग्जाम दिया और जिसका रिजल्ट काफ़ी सालों बाद आया। उसके बाद 2019 में मेंस दिए, 2020 में इंटरव्यू और फिर उनका सिलेक्शन हो गया। आखिरकार उनका जुनून और संघर्ष कामयाबी पाने में सहायक बने और उन्हें विजय हासिल हुई। वो कहते हैं ना कि जिस वजह से भी वे कभी डिगे वो क्या थी, तो वो क्यों नहीं डिगे वो भी क्या थी वजह सुनिए। वो कहते हैं कि मेरे कभी भी ना डिगने का कारण थी मेरी 2 बेटियां जिनकी परवरिश को मैं बेस्ट बनाना चाहता था और वही विचार मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था और मैं नहीं रुका। वो बताते हैं कि इस सफलता से उन्होंने ये सीखा है कि अगर दृढ़ निश्चय और धैर्य है आप में तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। प्रत्येक दिन आप ये सोचकर पढ़ें कि आपको समर्पित करना है अपने आप को तैयारी में, तो आप देखिएगा आपको सफलता भी ज़रूर हासिल होगी। तो ये थी संजीव कुमार जी की कहानी, सफलता की कहानी, कि कैसे उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से 15 साल अपनी उस पढ़ाई को तैयारी को दिए लेकिन डिगे नहीं, वो भटके नहीं, वो हिले नहीं, वो अपने उस जुनून को भूले नहीं और आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली। तो आप भी ज़रूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, बस ये जुनून अपने अंदर ले आइए और देखिए सफलता आपकी होगी, अगली सक्सेस स्टोरी भी आपकी होगी। तो अपना ख्याल रखिए, लग जाइए पढ़ाई में, समय बहुत है अभी आपके पास, लॉकडाउन भी है, तो निराश मत होइए लेकिन पढ़ाई कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। मिलूंगी मैं आपसे फिर यहीं मिशन JPSC के YouTube चैनल पर और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो, और ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। चलती हूँ मैं, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद। अपनी UP SSSC पेट परीक्षा को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए आज ही खरीदें प्रभात प्रकाशन की कंप्लीट स्टडी मटेरियल गाइड, जिसमें आपको मिलेंगे लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड सारे टॉपिक्स और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। साथ ही खरीदें 20 प्रैक्टिस सेट्स विद 5 पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स, जिसमें है व्याख्या सहित उत्तर जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के आसान तरीके। तो आज ही खरीदें Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं सफलता।